तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रोबिट एप्लीकेशन का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो कार्ड या कोई भी पॉइनियम कम्युनिटी पीएसटी आपके पास पड़ा हुआ है तो पीएसटी को आपको आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए या एक्सचेंज में ले जाने के लिए तो केवल ओनली आपके पास एक ही यहाँ पे एक्सचेंज है जिसका नाम है प्रोबिट एक्सचेंज। तो प्रोबिट एक्सचेंज का आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, तो इसका अकाउंट कैसे बनाना है वो सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आने वाली और वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपका और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां पे जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, स्किप स्किप कर देना है। जैसे ही आप स्किप कर देते हैं दो तीन बार तो आपके सामने एक इंटरफेस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा, काफी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग का, तो सेटिंग वाले ऑप्शंस में आपको चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आ जाएंगे, आने के बाद में यहाँ पे आपके सामने एक शो करेगा प्लीज लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देती हैं, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा हाइड हो जाता है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं करना, रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे इनकी टर्म्स कंडीशन आ जाती है। तो सबसे पहले आपको आई एग्री टू ऑल फॉलोअर्स टर्म्स कंडीशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। बार बार सभी पे क्लिक नहीं करना, एक पे आपको क्लिक कर देना है, आपका यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। तो जैसे ही आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे, कंफर्म करने के बाद यू मस्ट हैव 80 एज पूछता है, तो यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे फिर आपका ईमेल पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो रेफरल कोड अगर आप डालना चाहते हैं तो रेफरल कोड आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, और यहाँ पे आपको ईमेल डाल लेनी है, पासवर्ड डाल लेना है, कन्फर्म पासवर्ड आपको डाल लेना है, ठीक है। जैसे ही इतना सारा कुछ आप डाल लेते हैं, डालने के बाद में रेफरल कोड भी डाल लिया आपने, पासवर्ड भी डाल लिया, कंफर्म पासवर्ड भी डाल लिया, पासवर्ड इस तरीके का आपको डाल लेना, स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको कैप्चा यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो कैप्चा आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप ये वेरीफाई कर लेते, करने के बाद में यहाँ पर आप किसी एक ओटीपी मांगा जाएगा, तो ओटीपी आपको जीमेल अपना ओपन करना है और ओटीपी आपको 59 सेकंड में ही डाल देना है अंदर। जैसे ही आप डाल देते हो तो यहाँ से आपका रजिस्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो अब आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको करना पड़ेगा अकाउंट लॉग इन। यहाँ पे थोड़ा हाइड हो रहा है, हम इसको शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल और अपना पासवर्ड डाल देना है जो आपने पहले से ही यहाँ पे किया था, फिर उसके बाद आपको कैप्चा शो होगा, कैप्चा आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर लेते हैं आपका आप इसमें सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन लॉगिन से पहले भी आपको यहाँ पे जीमेल का एक ओटीपी डालना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जीमेल का ओटीपी यहाँ पे आपको डाल लेना है। ये आप देख सकते हैं कि 9 मिनट 51 सेकंड करीब करीब 10 मिनट का यहाँ पे शो कर रहा है ओटीपी, तो आपको आराम से जाना है, जीमेल का ओटीपी लेना है, यहाँ पे आपको डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कारण ये शो नहीं करता, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब आपका जैसे ही आप इतना प्रोसेस कर लेते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो कर जाएगा, अब आपका अकाउंट यहाँ से हो चुका है सक्सेसफुल क्रिएट, ठीक है। प्रूविट एप्लीकेशन में आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है, और अब आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आप कॉइन वगैरह या अगर रिसीव करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी कॉइन है आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, जैसे पीएसटी आपका पड़ा हुआ है ट्रस्ट वॉलेट में या आपका ट्रोलिंक एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आपको कैसे लाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, होम एक्सचेंज हिस्ट्री वॉलेट और सेटिंग का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वॉलेट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो वॉलेट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे करेंसी शो करता है, ये इनके एक्सचेंज के थ्रू यूएसडीटी वगैरह यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो एक वॉलेट पे जाएंगे फिर आपको बताएंगे पीएसटी यहाँ पे कैसे डिपॉजिट करना, तो पीएसटी आपको सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एक डिपॉजिट का एक विड्रू का। तो डिपॉजिट और विड्रू का ऑप्शन मिल गया, अब यहाँ पे हम डिपॉजिट करना चाहते हैं, हमारे पास पीएसटी पड़ा है ट्रस्ट वॉलेट में, तो ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आपको सबसे पहले जाना है, और जाने के बाद में यहाँ पर या आप विड्रू करना चाहते हैं तो विड्रू कर सकते हैं। डिपॉजिट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस शो करता है, एड्रेस को कॉपी करना है और आपको ट्रस्ट वॉलेट में जाना है और डाल देना है, और यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ट्रस्ट वॉलेट में आपका कम से कम, अगर आप अदर कॉइन यहाँ पे इधर उधर करना चाहते हैं जैसे से आना चाहते हैं, तो कम से कम ट्रस्ट वॉलेट में आपका ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 ट्रॉन होने चाहिए, मिनिमम फीस लगती है। और इस एप्लीकेशन का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो नेटवर्क फीस है वो बहुत ही कम है, ट्रॉन की करीब करीब 1 ट्रॉन 4 रुपये फीस लगती है, कितना भी कॉइन यहाँ से आप विड्रू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी। पीएसटी का अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं फ्री में, तो बहुत सारी हमने पूरी प्लेलिस्ट आपको अपलोड कर दी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।